जैसे ही पंजीकरण कार्यालय यानी रजिस्ट्री कार्यालय मौजूदा संपत्ति के हस्तांतरण संबंधी कोई विलेख पंजीकृत होता है, उसी क्षण इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों से उस दस्तावेज के संधारण के लिए जो प्राधिकृत अधिकारी रहता है, जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तहसीलदार, तो तहसीलदार को रजिस्ट्री कार्यालय से त्वरित एक मेल उस हस्तांतरण विलेख के पीडीएफ कॉपी के साथ चला। छत्तीसगढ़ भू राजस्व अधिनियम की धारा 109 और 10 जो है यह कहती है कि यदि किसी भूमि के स्वामित्व के संबंध में किसी भी किस्म के हस्तांतरण की जानकारी राजस्व अधिकारी को ज्ञात हो, तो वह स्वप्रेरणा से या फिर जिसके पक्ष में हस्तांतरण हुआ है उसके आवेदन पर संपत्ति के राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। तो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धति में चूंकि उसको त्वरित रूप से हस्तांतरण की जानकारी राजस्व प्राधिकारी को तत्काल पता चल जाता है, तब वह संपत्ति के नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ करता है। जैसे ही तहसीलदार के पास हस्तांतरण विलेख आता है, वह उसे पटवारी को हस्तांतरित करता है। पटवारी संबंधित पक्षकारों को आहूत करता है और दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर भूमि का राजस्व अभिलेख सुधार करने की अनुशंसा तहसीलदार से करता है और तहसीलदार अभिलेख में जो हस्तांतरण सक्सेसर है, जिसने हस्तांतरण प्राप्त किया है, उसके नाम पर हस्तांतरित करने के लिए आदेशित कर देता है और तहसीलदार के आदेश के बाद पटवारी कंप्यूटर अभिलेख में हस्तांतरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम उनका हस्तांतरण कर देता है।